बहुत से लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, जहाँ आप काम करते हैं वो जगह कैसी दिखती है, जहाँ आप रहते हैं वो जगह कैसी है। सो उन सब लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैंने आज का वीडियो बनाया है। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ले चलने वाला हूँ कैप्टन्स कैबिन टूर पर, यानी कि मेरे कैबिन का टूर। ये वो जगह है जहाँ पे मैं काम भी करता हूँ, जहाँ पे मैं रहता भी हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर मेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट निकल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सी डेक से। कैप्टन्स कैबिन सी डेक पर है और ये सी डेक एलिवे है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ब्लू कलर से इंफॉर्मेशन बोर्ड है, ये सी डेक जो वाइट से है, इसमें सारे कैबिन की। और ये फुल सी डेक एलिवे है। ये मेरे कैबिन का एंट्रेंस डोर है और कैबिन के साथ में एक कॉन्फ्रेंस रूम है, ये उसका डोर है। चलिए देखते हैं अंदर। ये छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम है मेरा, छोटे मोटे मीटिंग्स करने के लिए या कुछ विजिटर्स आते हैं तो उनको एंटरटेन करने के लिए। ये कुछ शिप के प्लान्स, मैनुअल्स, कॉमन मटेरियल, और ये है डिस्प्ले बोर्ड, ये कुछ अलार्म्स। चलिए बाहर चलते हैं। इस डेक पर मेरे साथ और भी कैबिन्स हैं, अभी एंटर करेंगे कैप्टन्स डे रूम में। एंटर करने पर सबसे पहले मेरा डे रूम आता है सामने, उसके बाद फिर बेडरूम। डे रूम मेरा लिविंग एरिया भी है और मेरा ऑफिस भी है, यानी कि ऑफिस और घर दोनों साथ साथ। ये मेरा वर्क एरिया है, ये बड़ा वाला टेबल जहाँ बैठकर मैं काम करता हूँ, और वो साइड में सोफा जहाँ पर मैं विजिटर्स को एंटरटेन करता हूँ और खुद भी रिलैक्स करता हूँ। इसके साथ ही दूसरे साइड में यहाँ ये एंटरटेनमेंट एरिया है, इसमें एंटरटेनमेंट का कुछ स्टफ है। उसके साथ में जो टेबल देख पा रहे हैं आप, वो टी एंड कॉफी टेबल है। ये एंट्रेंस पर एक सिंगल चेयर रखी हुई है मैंने सिंगल विजिटर के लिए, या मुझे खुद कभी चेंज करके बाहर जाना हो। और ये साथ में है मेरी चेयर। और ये एंट्रेंस पर मेरे कुछ सेफ्टी गियर्स हैं, ये हेलमेट्स है, ये विंटेज जैकेट, ये कवरऑल, और ये मेरे पेयर ऑफ शूज, उसमें वो सेफ्टी शूज हैं, और ये मेरे रेगुलर शूज हैं। उसके साथ में एंट्रेंस पर ये वेस्ट बिन है, प्लास्टिक एंड डोमेस्टिक, कलर कोडेड। अपने सेफ्टी गेयर्स को एंट्रेंस पर मैं इसलिए हैंग करके रखता हूँ, कभी एमरजेंसी में बाहर जाना हो तो इमीडिएटली चेंज करके जा सकते हैं। व्हाइट बोर्ड है जिस पर मुझे कुछ थिंग्स टू रिमेंबर लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ, या कुछ अगर किसी को ट्रेनिंग करानी हो, कुछ बताना हो तो इस पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये एंटरटेनमेंट के लिए है, एक स्पीकर बार है और एक ये LED TV है। ये PS4 है, ये मेरा अपना पर्सनल है, जिस शिप पर जाता हूँ मैं कैरी करता हूँ। गेम्स की अच्छी कलेक्शन है मेरे पास, इसी का शौक है एक मुझे, तो इसको साथ लेकर जाता हूँ। ये हॉट वाटर केटल है, टी कॉफ़ी, कॉफ़ी ज़्यादा पीता नहीं मैं, चाय पीता हूँ तो उसके लिए यूज़ करता हूँ। ये मेरा मग है, और ये शुगर, टी बैग्स, और ये थोड़ी सी सौंफ, फेनल सीड्स, ये मैं खाता हूँ ज़्यादा एसिडिटी हो या फिर इंडाइजेशन हो रहा हो तो। उसके साथ एक फ्रिज दिया हुआ है मीडियम साइज़ का, इसके अंदर ये एक फ्रिज है, फ्रिज का एक छोटा टेबल दिया हुआ है इन्होंने। ये है मेरा ऑफिस, मेरा वर्क स्टेशन जहाँ मैं बैठकर काम करता हूँ। चेयर है जहाँ पर बैठकर मैं कुछ वीडियोस, कभी कभी टाइम मिलता है तो शूट करता हूँ। वर्किंग कंप्यूटर है, और ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है, ये मेरा नोटपैड है, ये इंटरकॉम है इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, फ़ोन, ये फ़ोन है सैटेलाइट, इससे मैं किसी भी नंबर पर कॉल कर सकता हूँ। ये मेरा रेडियो है, और ये है मेरी टेबल पर मेरी सोर्स ऑफ होप, मेरी सोर्स ऑफ एनर्जी, श्री हनुमान जी। प्रिंटर है मेरा, वो एक बास्केट रखी हुई है मैंने पेपर्स डंप करने के लिए, जो भी एक्स्ट्रा पेपर्स होते हैं उसमें डंप कर। ये फाइल्स हैं कुछ, मेरा पेपर, इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट। ये योगा मैट है मेरा, जिसको सुबह मैं यूज करता हूँ योगा करने के लिए। वो जो एरिया है वहाँ पर ये मैट बिछाता हूँ, और डेली मॉर्निंग का मेरा रूटीन है थोड़ा सा योगा, फिर उसके बाद काम स्टार्ट। ये मेरी मेन ड्रॉअर है, इसमें कुछ स्टैम्प्स हैं मेरे, और भी मटेरियल है साथ में। ये SSD है एक मेरी, जिसको कि मैं मेन अपना डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ करता हूँ, और इसके अलावा और भी ड्रॉअर्स हैं। एक और ड्रॉअर है, इसमें मेरे कुछ ईयरफोन्स और ये कुछ केबल कनेक्टर्स हैं अलग अलग टाइप के, और ये माइक्रो USB टू USB टाइप सी टू माइक्रो USB, माइक्रो USB टू टाइप सी, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स हैं जो कि बहुत यूज़फुल हैं शिप में कनेक्ट करने के लिए, जब डिफरेंट डिफरेंट केबल्स आपको यूज़ करने पड़ते हैं। बिकॉज एक बार शिप निकल गया तो ये चीज़ों को मंगाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट अगर ऑलरेडी आपके पास में डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स और केबल्स आप कैरी करते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी, आपकी लाइफ काफ़ी इजी हो जाती है। इसके अलावा कुछ अडैप्टर्स हैं मेरे पास इंटरनेशनल, दो ट्रैवल अडैप्टर्स हैं, दो तीन टाइप के,
जो मैं कैरी करता हूँ, एक ये है, इसमें लैपटॉप का चार्जर लगा है मेरा, और इसके अलावा और भी है। ये हैंड सैनिटाइजर है मेरे विजिटर्स के यूज़ के लिए। और मेरे वर्क एरिया के नेक्स्ट है मेरा सोफा सेट, जहाँ मैं रिलैक्स करता हूँ, टीवी देखता हूँ, गेम्स खेलता हूँ। दो विंडोज है मेरे कैबिन में, उनको पोर्ट होल्स बोलते हैं। अभी फिलहाल कर्टेन से कवर किया हुआ है, बाहर का बहुत अच्छा व्यू आता है और अच्छी सनलाइट आती है। मैं दिखाता हूँ आपको अनकवर करके। यह है एक पोर्ट होल, ये देखिए, इससे बाहर पूरा शिप दिखता है। कैप्टन का कैबिन हर शिप में हमेशा फ्रंट पर होता है, जिससे कि आगे का वो सब कुछ देख पाए। वो जो आप देख पा रहे हैं आगे, वो शिप का फॉरवर्ड पार्ट है, और ये जो अकोमोडेशन होती है हमारी, ये पीछे के यानी आफ्ट साइड में होती है। दूसरे पोर्ट होल से देखते हैं बाहर का व्यू, ये देखिए ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ नीचे कुछ स्नैक्स रखे हुए हैं मैंने अपने लिए और कुछ विजिटर्स के लिए। चलिए चलते हैं मेरे बेडरूम में, कैप्टन्स बेडरूम। ये मेरा बेड है जहाँ पे मैं सोता हूँ, मैक्सिमम टाइम दिन का यहाँ बिताता हूँ, रात को वहाँ तो बस खाली सोने जाता हूँ। ये लगेज है मेरा, वो लगेज मैं साथ में लेकर आया था, वो वाला बैग, और ये अभी रिसेंटली मैंने परचेस किया है। ये ट्राइपॉड स्टैंड है मेरा, जिससे मैं वीडियो शूट करता हूँ। ये एक मिरर है मेरे कैबिन में, वो कुछ मिनरल वाटर का स्टॉक है, पानी। इसके अलावा इस साइड में मेरा वार्डरोब है, जिसमें मेरे क्लोथ्स रहते हैं सारे कपड़े। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, पर मैक्सिमम मैं कपड़ों को हैंग करके रखता हूँ, सो ये सब हैंग करके रखा हुआ है। और ये मेरा टॉयलेट एंड बाथरूम है। क्लोथ्स ड्राई करने के लिए एक स्ट्रिंग है, प्लस ये कैबिनेट है, इसमें अंदर स्टफ रहता है मेरा। उसको लाइक करें, मेरा चैनल CEOS कैप्टन अंकित सी, इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और भी इंटरेस्टिंग और भी एक्साइटिंग। तब तक व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।